लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। एमटीवी रोडीज एक यूथ बेस्ड रियलिटी शो है, एक ऐसा शो जहां हजारों युवक शोहरत पाने के सपने लेकर आते हैं, जिसमें जजेस और मेकर्स द्वारा प्रतिभागियों को इनामी राशि के अलावा एक पहचान दिलाने का वादा किया जाता है। पर इन रियलिटी शोज की असलियत असल में कुछ और ही होती है। महज टीआरपी पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहना है रोडीज X4 की कंटेस्टेंट एसिड सर्वाइवर नसरीन जहां का, जिससे रोडीज के जजेस ने आर्थिक मदद के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। रोडीज में गई थी, सुना कि रोडीज में जो मतलब जीतता है तो उसको भी कुछ होता है, तो मैंने सोचा चलिए अपनी मेहनत ही आजमा लेते हैं, अभी तो जान बाकी है। तो मैंने सोचा जो थोड़ी बहुत हिम्मत हौसला है वो वहाँ दिखा लेती हूँ जाके। वहाँ पर गई तो हमारे रणविजय सर, नेहा धूपिया मैम और करण कुंद्रा सर और हमारे सुशील कुमार जी, ये सब लोग थे। इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत इज्जत दी। मुझे लगा शायद मुझे फरिश्ते जो मैं ढूंढ रही हूँ इतने टाइम से वो मिल गए। लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों ने भी मतलब रोना, स्क्रीन पे सब कुछ करना, सब कुछ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप ना टीआरपी लीजिए, लेकिन किसी दुखी इंसान की टीआरपी मत लीजिए, या उसको तो या तो सपोर्ट कीजिए या उसकी टीआरपी मत लीजिए। उन्होंने मुझे फेमस तो किया, क्या फेमस से मेरी बेटियाँ सेफ हो गई या मैं सेफ हो गई या मेरे ऑपरेशन हो गए? कुछ भी नहीं हुआ, मैं वहीं की वहीं हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप अंदर आओगे रोडीज़ में और आपको ना ऑपरेशन हो जाएगा आपका, हम करवाएंगे। सुन, नेहा दुबे ने कई बार मुझे गले लगी और कई बार मुझे बोला, सब ने बोला मुझे जितने भी थे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप फ़ौरन हमें बोलना। जब मैं वहाँ से आई हूँ उसके बाद से लेकर आज तक उन लोगों ने मुझे पलट के नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ उसने कई नामी सितारे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान से भी मदद की गुहार लगाई थी और वहां से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मैं सलमान खान जी के गई थी और मैंने 75,000 रुपये चंदा किया था और मैं 10 दिन मुंबई में रही और उस टाइम पे मेरी गर्दन में बहुत बड़ा जख्म था, पूरा वो था, बलून भी लगा था और पाइप भी बाहर निकला हुआ था जिससे मैं चुन्नी पकड़ के और पूरा जख्मी हालत ही थी उस टाइम पे मेरी। तो मैं सलमान खान जी के गई तो मैं डेली होटल से, मेरा यही काम था, मैं उनके गेट पे जाती थी और जो वहाँ 5-7 गार्ड थे काले कपड़ों में, तो उनसे बोलती थी प्लीज़ मुझे सलमान खान जी से मिलवा दो, तो वो लोग मिलने नहीं देते थे, भगा देते थे। तो मैं वहीं पे बैठी रहती थी, रोती थी। 10 दिन मेरा ये चक्कर चला है और उसके बाद में रोती भी वापस आ गई। आज तक यही कोशिश में हूं कि एक बार सलमान खान जी को यह पता लग जाए कि कोई लड़की आपके दरवाजे पे इस तरह बैठी थी। शाहरुख खान जी की गई फिर और उनके यहां पर मैंने जाकर गेट पर चौकीदार थे लेटर दिया और मैंने बोला, मैंने कहा ये मत बोलिए कि कोई सर्वाइवर है, ये कुछ मत बोलिए बस एक, क्योंकि मुझे अपनी बेटियों की फिक्र थी, वो वहाँ पे टॉर्चर हो रही थी, यहाँ मैं मैजख्मी थी। तो मैंने उनको बोला बस ये बोलिएगा कि एक माँ आई है। वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अमिताभ बच्चन जी की भी गई थी, मैं मानती हूँ वो लोग मुझसे क्यों मिलेंगे, लेकिन मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा था। मुझे लगता था कि जो नाम जाने माने हैं, अब जो छुपे हुए हैं उनका तो मुझे पता नहीं ना कोई कौन है जो आगे बढ़ सकता है या कौन फरिश्ता बन सकता है। तो मुझे लगा कि यही लोग कर सकते हैं, बट वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं हुआ। फिर वहाँ से रोती हुई वापस आ गई, किसी भी लेटर का आज तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये रणविजय और नेहा धूपिया तक पहुँच जाए। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।